हेलो फ्रेंड्स, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। नई सोच, नई खोज और नई यात्रा के साथ आज हम आपको लेकर चलते हैं भदोही के सबसे खूबसूरत तालाब लेकर चलते हैं, जिसको ज्ञानपुर का ज्ञान सरोवर बोलते हैं, जलाशय बोलते हैं, पोखरा बोलते हैं, ताल बोलते हैं, तलैया बोलते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं ज्ञानपुर के ज्ञान सरोवर तालाब में आ गए हैं। ये पहले इसका इस तरह से नहीं लुक था, पहले काई हुई जमे थे और पानी से बदबू आ रही थी, लेकिन अभी जो है ये देख सकते हैं इसका सौंदर्यकरण हुआ है, सौंदर्यीकरण हुआ है। कह लीजिए कि देखिए, खूब बढ़िया हरा भरा तालाब लग रहा है, पानी ताज़ा पानी भरा गया है, मछलियाँ, ढेर सी मछलियाँ हैं। ये अकरम भाई, ये अच्छा, ये तालाब कब का बना है, आपको इसकी जानकारी है? ये तालाब राजा के जमाने के ही बना हुआ है, मतलब जब ये हमारे साथ राजा, जब ये KNPG बना होगा, काशी नरेश के द्वारा बनाया गया है, फिर भी मतलब कि 100 साल से ज्यादा ही, 100 साल से ज्यादा है। अच्छा, ये कितना गहरा होगा? ये गहरा तो हम समझ रहे हैं कम से कम अभी कम से कम दो तीन हाथी, दो हाथी तीन हाथी का होगा। दो हाथी मीन्स मतलब कितना? 20-25 फीट। मतलब जितना पानी अभी है यहाँ से 20-25 फीट गड्ढा है कह सकते हैं। अच्छा, 20-25 फीट। ये जो हमारे पुराने चेयरमैन, अभी जो इस वक्त चेयरमैन नहीं है, हाँ, मतलब हीरालाल मौर्य जी, जब चेयरमैन हुए थे पहला दफे, हाँ, तो उन्होंने संकल्प उठाया, हाँ, उनका पूरा फोकस ज्ञान सरोवर ही था, पूरा फोकस ज्ञान सरोवर था। संकल्प उठाया कि हम अपने 5 साल के कर कमलों में इसको साफ सफाई करके ही रहेंगे। जी जी जी, उनके अथक प्रयास से, माने काफी मेहनत से इसको वो पूरी तरीके से एकदम साफ सुथरा बना दिया, सारा पानी निकल दिया। पूरे चेयरमैन जो थे उनका इतना इसके प्रति वो इतना एक्टिव थे कि कह लीजिए कि उन्होंने पुलिस अधीक्षक, जिला अधिकारी महोदय को भी इसमें श्रमदान करवाया था, तो पूरी भदोही की जनता ने इसमें श्रमदान किया था और श्रमदान करके इसका सौंदर्यीकरण किया था, तो जो कि आज ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। एक समय था कि बगल से गुजरना, ये एक दिन में नहीं, ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये 5 सालों में निरंतर साफ सफाई होते होते, निरंतर लगातार साफ सफाई होते होते, तब जाके ये आज ऐसा हुआ है कि आप यहाँ पे बैठ पाए। नहीं तो पहले ऐसा था कि आप मतलब गोपीगंज से भदोही की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में ज्ञानपुर आता है तो आप गाड़ी में आँख बंद करके जा रहे हैं, एसी में बंद करके जा रहे हैं, लेकिन इसके महक से, इसके कभी शीशा खुला हुआ है तो इसके महक से आप जान जाते थे कि भैया ये ज्ञानपुर आ गया क्या, तो इसकी छवि ऐसी थी। लेकिन अभी ज्ञानपुर के ज्ञान सरोवर की खूबसूरती देख के जो है इसमें साफ सफाई बहुत बढ़िया हुआ है, और आप देखें खूब मछली बहुत ढेर सी यहाँ पे है। आप भदोही के कुछ बच्चे थे, आ रहे थे, नहा रहे थे, अब तो सुनने में आया कि पैर फिसल गया तब वो डूब गए, लेकिन तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे नहाना प्रतिबंधित है और नहाने पे यहाँ पे रोक है। ये सीढ़ियों का रिपेयर हुआ है, ये एक बांगुर मछली थी, बहुत बड़ी मछली थी, हम लोग समझ रहे थे शायद वो मर गई है, लेकिन वो जिंदी है। यहाँ से बाबा हरिहरनाथ का मंदिर दिख रहा है, और एक जो है वो क्या है अकरम भाई, वो क्या है जहाँ पे कभी वो बना है, एक पार्क टाइप का है, उसमें जैसे गरीबों का, हाँ, शादी विवाह के लिए, माने कि कम पैसे में लोग अपना, हाँ, वहाँ विवाह कर ले, वहाँ पे शादी विवाह कर ले। और ये सामने का कौन सा महाराजा, कौन सा महाराजा? चेत सिंह, महाराजा चेत सिंह, चेत सिंह जिला अस्पताल भी है, ये महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल है, मंजूर उधर दिखाइए, हाँ, महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल है, उधर जो है ये सरकारी भवन है जो शादी ब्याह होता है, और इधर आप देख सकते हैं बाबा हरिहरनाथ का मंदिर। नहीं नहीं, देखिए देखिए, जो सीढ़ी टूटने का रीजन है, जैसे हम आपको दिखाते हैं, जैसे इस तरह का प्लास्टर हो गया, पानी इसमें अंदर घुस नहीं पा रहा, रसा नहीं पा रहा है, घुस नहीं पा रहा है, उधर के देखेंगे उधर के सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हैं, जब पानी जो जाएगा तो पानी उसी में रसाएगा, तो ईंट जो बना हुआ है ईंट मिट्टी का है, जब पानी बराबर उस पे लगा रहेगा तो ईंट मिट्टी में तब्दील हो जाएगा, जैसे ही वो उसकी मजबूती कम हुई तो भरभरा के गिर जाएगा। पूरा यहाँ से यहाँ तक माने पूरा टूट,
नहीं तो जो प्लास्टर नहीं है, जहाँ जहाँ सीढ़ियाँ प्लास्टर नहीं है, वो भविष्य में कमजोर होके ऑटोमेटिक खराब हो जाएंगी। यहाँ से हम आपको ढेर सी मछली दिखा रहे हैं। मंजूर मंजूर धीरे धीरे आराम से आएंगे, नहीं तो मछली भाग जाएंगी। यहाँ से जूम करके दिखाइए कि ज्ञानपुर के ज्ञान सरोवर में कितनी ढेर सी मछलियां हैं। ज्ञान सरोवर की मछलियां हैं, कितनी ढेर सी मछली हैं। ये कोई बड़ी सी मछली दिख रही है, इसको दिखाने की हम आपको कोशिश करते हैं कि कौन सी मछली है और लगभग कितने किलो की होगी। जूम करके दिखाते हैं, ये तो मांगुर मछली लग रही है और लगभग 4-5 किलो की लग रही है, क्योंकि इतनी दूर से देखने में कुछ साफ दिखाई दे रही है। अब हम फ्रेंड्स आपको वो सुरंग दिखा रहे हैं जो ज्ञान सरोवर के बगल में है और दूसरा छोर KNPG के कैंपस के अंदर है, जो पिछले वीडियो में हम आपको दिखाए थे, ये आप देख सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से इसको बंद कर दिया गया है।